Why Mirza and Sanam Said? How was the experience? Experience was बहुत मज़ेदार. पहले ऐसे कभी experience नहीं हुआ जहाँ पे सब कुछ बहुत ज़्यादा organized था. बहुत ही entertaining, light hearted, romantic comedy. Why Mirza and Sanam Said? How was the experience? Experience was बहुत मज़ेदार. पहले ऐसे कभी experience नहीं हुआ जहाँ पे सब कुछ बहुत ज़्यादा organized था. बहुत ही entertaining. लाइट हार्टेड रोमांटिक कॉमेडी किसमें कोई सिर्फ दो लोगों की एक ठंडी सी मीठी सी कहानी है. जब आप स्क्रिप्ट देख रहे थे पढ़ रहे थे तो लग रहा था कि मतलब यही फिल्म ऐसे ही निकलेगी? आई डिड नॉट विजुलाइज कि वो इस तरह शूट होगा और ऐसे एक्शन सीन्स होंगे और इतना भागना होगा. वो कौन सी जगह थी जहाँ आप दोनों को सीन करके बहुत अच्छा लगा? मुझे वाटरफॉल वाला बड़ा अच्छा लगा क्योंकि वो चैलेंजिंग था, मुश्किल था, अंडर वाटर सीन करना था. लड़की हिंदुस्तानी हो या पाकिस्तानी, लड़की लड़की होती है. कुछ भी ना कहो. मुझे अपनी पिक्चर की डायलॉग बोलने हैं. उस फिल्म का एक डायलॉग है, मुझे बहुत अच्छा लगता है. मोहब्बत और जंग में सब जायज है, बस जंग में मोहब्बत नहीं होनी चाहिए. आइए जी. तेरा साथ है कितना प्यारा, तेरा साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा. तेरे मिलन की लगन में हम आना पड़ेगा, दुनिया में दोबारा हमें आना पड़ेगा, दुनिया में दोबारा. मैंने तन मन तुझ पर वारा, प्यास बुझे न करके नजारा. तेरे मिलन की लगन में हमें आना पड़ेगा, हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा. तेरा साथ है कितना प्यारा. और आजी आज का शो टोटका फ्राइडे. आज टोटका फ्राइडे है. आज आप लोगों की सोच है जैसा शो हम लोग लेके आए. आज शो में एनर्जी है, आज शो में मौसम है, आज शो में वो रेमेडीज हैं जो इससे पहले आपने हमारे शो कभी नहीं सुनी होंगी. और अगर सुनिए तो माफ कर दीजिएगा. बताता हूँ मैं. रानी आपा क्या कर रहे हैं आज हम जोड़ों का दर्द का इलाज बताएंगे, लगा के भी और खाने की दवा भी बनाएंगे और इंशाल्लाह उससे बहुत फायदा होगा. आज जोड़ों का दर्द, अगर किसी को जोड़ों का दर्द है तो आज हम दवा बताएंगे, इलाज बताएंगे जोड़ों के दर्द का. यहाँ पर आपको बनाना सिखाएंगे, आप सीख सकते हैं. ऑब्वियसली आप इसको अप्रिशिएट करते हैं. थैंक यू सो वेरी मच. और मैं डॉक्टर बिल्किस साहब की तरफ जाता हूँ. जी आज क्या करने वाले हैं? आज मैं सेलुलाइट ऑयल बनाना बताऊंगी, स्पेशली खवातीन के लिए जिनके हाथ लटक जाते हैं, जो हाथ लटक जाते हैं, और उसको किस तरीके से टोन अप करें और अपना बाजू को कैसे सही रखें, क्योंकि बाज के बाजू यहाँ से बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं. बॉडी तो सही होती है लेकिन बाजू थोड़े से हैवी होते हैं. और हाथ के जितने भी मसाइल हैं, चाहे उसमें नकल्स हैं, चाहे रिंकल्स हैं, चाहे फैट्स हैं, चाहे वो लटक गए, तक हर चीज़ जो आपके हाथ के लिए है वो सब बताऊँगी. बहुत सारी तालियां डॉक्टर बिल्किस साहबा के लिए भी. एलेजमन ज़ारा गुलज़ार इनके लिए बहुत सारी तालियां. एंड अगर डॉक्टर ईसा तैयार हो गए तो डॉक्टर ईसा को भी हम बुला लें. एंड लेट्स सी डॉक्टर ईसा इज हियर. डॉक्टर साहब आ जाइए एलेजमन. पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर डॉक्टर ईसा. और मैं डॉक्टर साहब से भी पूछ लेता हूँ कि डॉक्टर साहब आज क्या करने वाले हैं? क्या करने वाले हम? मॉइस्चराइजिंग बना रहे हैं वेदर की वजह से, एक्नी पे कर रहे हैं, गोरे होने के लिए कर रहे हैं, और भी बहुत कुछ. हम आज आपको मॉइस्चराइजर बनाना सिखाएंगे, आपके जो एक्नी के प्रॉब्लम है उसको दूर कर देंगे और साथ साथ आपकी रंगत साफ कैसे हो जाती है ये आपको बता देंगे हम. वेयर यू गो. गोरे रंग पे बहुत तालियां बजती हैं. जितनी तुझ में है वफा, उतनी ही वफा.
सुना जहां मैं प्यार। किसी को आता है गाना? किसी को आता है? आपको आता है? यू कैन सिंग। करें 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 करें। इट्स ओके, गो गो। जी करता है जीवन भर में, जी करता है जीवन भर में तेरी साथ। वेरी नाइस, आप गाएंगे? ओके। मेरा साथ है कितना प्यारा, जी करता है जीवन सारा तेरे मिलन की लगन में। हमें खाना पड़ेगा दुनिया में दोबारा, हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। मैंने तन मन तुझ पर वारा, प्यास बुझे न करके नजारा तेरे मिलन की लगन में। हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा, हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। बहुत सारी तालियां जी। सबसे पहले तो आप इतनी जिंदा क्राउड हैं, थैंक गॉड मैं आप लोगों को लाइव देख रहा हूं, और इतने आप लोग इंटरेस्ट से बैठे हुए हैं कि आपके चेहरों से खुशी छलक रही है। हम आपको यहां से जाने नहीं देंगे, 8-10 शोज यहीं करवाएंगे आपसे। बहुत सारी तालियां आप लोग अपने लिए बजा रहे हैं। वेरी वेरी एक्साइटिंग ऑडियंस। और दुनिया में जितने कलर्स मौजूद हैं सब पहने में आप लोगों ने आज, सारे के सारे कलर्स पहन के बैठे हुए। और डॉक्टर साहब, आपकी नशीली आंखों की कसम, आज शो बहुत अच्छा होने वाला है इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब की आंखों में एक खास किस्म का खुमार है, वो पता नहीं किस चीज़ का है, पता नहीं क्या लगा के आते हैं, कौन सा काजल है जो डॉक्टर साहब लगा लेते हैं। डॉक्टर साहब बता देते, आज प्लीज बताइएगा खूबसूरती का राज बता। आज आप अपनी खूबसूरती का राज बताएंगे, आज डॉक्टर ईसा की खूबसूरती का राज आपको पता चलेगा। डॉक्टर साहब क्या करने वाले हैं? जी मैंने जिस तरह बताया कि एक सेल्यूलाइट ऑयल क्रीम बनाना बताऊंगी। जेल बहुत आसान है, घर में आसानी से बन जाता है। वो खवातीन जिनके, अच्छा ये अपने घर की बात करें, किसी के घर जाके मत बनाइएगा। अपने घर में बहुत आसानी से बन जाएगा। हाँ। जी अपने घर में बहुत आसानी से आप बना लें और आपके नकल्स डार्क हो जाते हैं। वैसे जी नकल्स डार्क हो जाते हैं। अच्छा ये भी डार्क हो जाता है पोर्शन, कोनिया नकल्स कोई भी डार्क पार्ट, लेकिन वो जो हार्ड हो, हार्ड ये हार्डनेस आ जाती है ना, ड्राइनेस आ जाती है, तो उसके लिए मैं एक ऐसा मास्क बनाना बताऊंगी। इंशाल्लाह उसको लगाते रहेंगे तो आपको फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जब भी नकल्स या गर्दन आपकी डार्क होती है तो प्लीज़ अपना एक पेल्विस का अल्ट्रासाउंड ज़रूर करा लें। okay. क्योंकि इंटरनल इश्यूज़ होते हैं ख़वातीन को खासकर। okay. तो वो आप ज़रूर कराएं। साथ में जो ये बताएंगे घर की चीज़ें हैं आप ये बना के लगाएं, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और जो सेल्यूलाइट क्रीम बनाना बता रही हूँ, ना सिर्फ लटके हुए बाजू के लिए, बल्कि बाज़ ख़वातीन के बहुत ऑपरेशन के बाद पेट बहुत बुरी तरह लटक जाता है और बहुत सारे उनको जो है ट्रीटमेंट्स लेने के बाद भी वो टोनअप नहीं होता। मसल्स को टोनअप कैसे करें, बॉडी को टोनअप कैसे करें, ये क्रीम अगर आप फुल बॉडी पे लगाएंगे तो आपकी बॉडी टोनअप भी होगी। अच्छा, और मर्द भी, मर्द भी लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, मर्द भी लगा सकते हैं, बिकॉज मर्दों का पेट बगैर ऑपरेशन के भी लटक जाता है। टेलीफोन कॉल्स हैं, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। आप सुनाए साहिर भाई? आप बताइए मैं क्या सुनाऊं आपको, आप जो कहेंगे मैं वो सुना दूंगा। आप फिलहाल तो मैं आपको सुनाने वाली हूँ आपकी तारीफें। मैं बयान नहीं कर सकती कि आप जो प्रोग्राम कर रहे हैं ये बहुत बहुत बहुत, मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपका जो ये प्रोग्राम है सच में हमारे लिए तो वाकई एक रहनुमा है हमारे लिए आप। अरे बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे नहीं पता था मैं पॉलिटिकल पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक और टेलीफोन कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? हाँ जी बिल्कुल ठीक ठाक जी। आपका नाम? जी मैं आयशा बात करनी थी, अखबार से मुझे डॉक्टर ईसा से बात करनी थी। हाँ जी प्लीज बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर ईसा मुझे आपसे एक ट्रीटमेंट चाहिए था। किस चीज का? एक्चुअली मेरे फेस पे और मेरी बॉडी पे ना हेयर्स हो गए हैं बहुत ज्यादा। ठीक है। अभी तक मैंने वैक्स भी नहीं करवाई और ना कोई और ट्रीटमेंट ली है। वैसे मैंने अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया है, मुझे ना पीसीओ है ना कोई और मसला है। चलो ग्रेट। लेकिन इसके बावजूद जो है ना मेरे फेस पे पूरी बॉडी पे हेयर हो गया, मुझे इसका ट्रीटमेंट चाहिए। अच्छा बेटा साइकिल डिसऑर्डर सही है, खराब तो नहीं है? नहीं बिल्कुल ठीक है। चलिए आज हम रेसिपी बना रहे हैं, नोट कर लीजिएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और टेलीफोन कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आपका नाम?
जी मैं जायदा बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। जायदा जी बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हमारे साथ ये तमाम मेहमान ज़ारा हैं यहाँ पे, ऑफ कोर्स डॉक्टर बिल्किस हैं, डॉक्टर रानी साहब हैं, रानी आप आए, और ऑफ कोर्स डॉक्टर ईसा मौजूद हैं। प्लीज बात कीजिए। डॉक्टर ईसा से मैंने पूछना था, एक्नी की प्रॉब्लम है। हाँ जी प्लीज, एक्नी की प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब, बताइए जरा। मेरी बहन एलर्जी है आपको? किसी चीज से एलर्जी है? नहीं नहीं किसी चीज से एलर्जी नहीं, वैसे एक्नी है। तो बस पेन पेपर हाथ में रखिएगा, आज इसकी भी रेसिपी बना रहे हैं, नोट कर ले। अच्छा जी एक काम और करते हैं ना, कुछ थोड़े से इनामात देने की बात करते हैं, कुछ तो आप लोगों को भी दे देंगे। एक आप बोल के अंदर अपने नाम डाल दीजिएगा, तीन तीन ट्रीटमेंट्स आपको फ्री मिलेंगे। फेशियल ट्रीटमेंट रानी आपा की तरफ से मिल सकता है, फेशियल ट्रीटमेंट आपको डॉक्टर बिल्किस की तरफ से मिल सकता है, और डॉक्टर ईसा की तरफ से मिल सकता है। तीन तीन फेशियल ट्रीटमेंट फ्री होंगे आपके लिए, आप लोगों के लिए। वो लोग जो मुझे टेलीविजन पे उधर देख रहे हैं उनके लिए ट्रीटमेंट है, बहुत एक कारामत तेल है जो बनाया है डॉक्टर बिल्किस साहिबा ने बालों को उगाने के लिए। अगर आपका हेयर लॉस है या हेयर पतले हो रहे हैं तो आप उस तेल के इस्तेमाल से आपके बाल जो है वो दोबारा वापस आ सकते हैं। तो वो ट्रीटमेंट एब्सोल्युटली फ्री हम आपको देने जा रहे हैं, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ट्रीटमेंट एब्सोल्युटली फ्री आपके लिए। हमें पता भी नहीं चलता और हम लूट जाते। हाँ आपको पता, यही तो बात है मेरी, यही तो बात है, आपको पता ही नहीं चलता मैं ऐसे ही लूटता हूँ। बट कैसी हैं जरा आप? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आए चलें कहाँ? पता नहीं यार, मतलब इसी तरह की बात ना, इसमें ये बिल्कुल एंड वाली कॉन्वर्सेशन थी। हाँ मैं ठीक, आप कैसे? बस बिल्कुल ठीक ठाक, ओके। अब आप पूरे शो में बोलिएगा जरूर। बिल्कुल बोलूंगी, आप मौका दीजिएगा। मेरे साथ ही क्या है ये, मेरे साथ ही क्या, जब मेरी बेइज्जती आप लोग कितने खुश होते हैं ना, इतने खुश होते हैं सारी मिलकर। देयर यू गो साहिर भाई की तो बस आज क्लास हो गई। अच्छा जी आप क्या कर रहे हैं आज? आज हम जोड़ों के दर्द। अच्छा, ये ओरिजिनल है या वैसे पहने में? नहीं आर्टिफिशियल, ओरिजिनल है। ओरिजिनल नहीं, ओके। आप ओरिजिनल भी पहनती हैं इसलिए बोल रहा हूं। जी बहुत पहनती हूं, गर्मी आते ही पहनने लगूंगी। अच्छा अच्छा, तो अभी गर्मी आपके लिए आई नहीं है? नहीं शुरू हो गई, अभी तो शुरू किया। तो शुरू में मसनू भी पहना है, 4-5 दिन के बाद ओरिजिनल पहन लेंगी। अच्छा इंशाल्लाह। अच्छा जोड़ों के दर्द का आज हम इलाज बताने जा रहे हैं, और जोड़ों का दर्द सभी जानते हैं कि विटामिन D3 की कमी की वजह से होता है, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो पावरफुल होती है मुस्तगी एक जड़ी बूटी है जिससे बहुत ज़्यादा ये विटामिन D3 बनता है, और मूसली सफ़ेद से। ये दो ऐसी घरेलू चीज़ें हैं अगर इसको हम बराबर इस्तेमाल करें, लेकिन आज हम एक नुस्खा बताएंगे। लेकिन देखिए एक चीज़ होती है, जब ये लोग लिखते हैं और वो वहाँ पर देखने वाले लिखते हैं तो ये कहते हैं कि जनाब आप जो जड़ी बूटियाँ बताते हैं वो लें कहाँ से, जाके किस जगह से ली जाए, और फिर उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, खालिस मिलती या नहीं मिलती, उसका तरीके का क्या? देखिए शायद जो जितनी चीज़ें मैं बताती हूँ वो बिल्कुल आम है, हरफे आम में इस कदर आम है कि आपको अपने मोहल्ले के आम पंसारी के पास से भी मिल जाएगी। जैसे मुस्तगी है, मूसली सफ़ेद है, आज हम अजवाइन का इस्तेमाल बताएंगे, आज हम बताएंगे चोट सज्जी का, आंबा हल्दी का, ये वो चीज़ें जो हम बहुत अपने बचपन से अपने घर से घर के बड़े बूढ़ों से सुनते आ रहे हैं ये नाम, और ये बहुत ही एक आम सी चीज़ें हैं, लेकिन अगर इसका कोई नुस्खा बनाया जाए तो ये चीज़ें बहुत अहम हो जाती हैं। आज उसी अहमियत को कि किस तरह किस रेशियो से किस किस वक्त कितना मिक्स करना है, किस चीज़ में मिक्स करना है, और कहाँ कहाँ लगाना है, लगाने का क्या तरीक़ा है, आज वो सब हम आपको एज डेमो बताएंगे, और जो एक फक्की बनाना बताएंगे कि जो इस दर्द से आपको निजात देगी। क्योंकि जब जोड़ों का दर्द हद से बढ़ जाता है तो ये हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं, पांव टेढ़े हो जाते हैं, रियूमेटाइड अर्थराइटिस होता है, अर्थराइटिस भी। एक ये बात बड़ी अच्छी आपने की कि हम जब लोगों को चीज़ें लिखवाते हैं बहुत सारी चीज़ें नहीं। देखिए मुझे जो फीडबैक मिलता है वो ये मिलता है कि देखिए जी शो बहुत अच्छा है, लेकिन इशू ये है कि हम लें तो कहाँ से लें और खालिस किस जगह से मिलेगा। ये एक बड़ा इशू है, लेकिन पाकिस्तानी बहुत खुशनसीब हैं, रानी अब्बा खैर जानती हैं, 2000 से ज़्यादा जड़ी बूटी अंडर वन रूफ मेरे पास अवेलेबल है। पाकिस्तान में जहाँ चाहिए मैं पहुँचवाऊँगा, 100 से ज़्यादा ऑयल्स। हमारी एक और गेस्ट हैं पलवशा, वो शी इज हेयर, लेट्स हेलो से हेलो टू पलवशा। पलवशा आइए जल्दी, आइए जल्दी। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, कैसी हैं? प्लीज प्लीज आइए पलवशा के लिए, बहुत सारी तालियां। अच्छा जी, अच्छा जी क्या कह रहे हैं, क्या? अच्छा तो क्या ख्याल है, शुरू कर लें? शुरू कर लें, आपसे शुरू करें डॉक्टर साहब। आइए 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 पलवशा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक अल्लाह का शुक्र। तो आप लोग वहीं बैठे रहेंगे क्या? नहीं नहीं हम भी आ रहे हैं। तो फिर आना पड़ेगा, आप इधर आ जाइए प्लीज। आइए जी, ये आज आपने कोई खास
ड्रेस पहना है? इट्स जंपसूट. It's what? Jumpsuit. Jumpsuit. Yes. इसको लगा के जंप करते पहन के? नहीं नहीं, ये बड़ा इन है और ये लड़कियों का ड्रेस है तो मैं भी लड़कियों की बात कर रहा हूँ. तो आपको पता नहीं होगा इतना. हाँ, obviously. Thank God मुझे नहीं पता, क्योंकि अगर मुझे पता है तो बड़ी खतरे वाली बात है. How do I know jumpsuit? लेकिन अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है वैसे. Very nice. Thank you. और कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है, दूर से पता चलता है. थैंक यू. ये कौन सा ऑयल है? मैं बता देती हूँ. इन्फ्यूजन तैयार करना है, हुर बैर कहते हैं या जूनिपर बेरीज कहते हैं. ये सेल्यूलाइट के लिए बहुत अच्छा होता है, बॉडी टाइटनिंग के लिए भी बहुत अच्छा होता है. इसको मैंने अच्छा, किया एक सवाल, क्या इसको चेहरे पे लगाया जा सकता है? लेकिन किसी के अगर ये चिन है. हाँ बिल्कुल, जो ये अगर गर्दन बहुत ज़्यादा लटक रही है आप बिल्कुल लगा सकते हैं. लेकिन अगर आप कोई भी चीज़ लगाते हैं, पैच टेस्ट कर लें. अगर एक दफ़ा लगाने से आपको थोड़ी सी एलर्जी होती है तो आप बर्फ़ अच्छी तरह लगा लें, एलर्जी सबसाइड हो जाएगी, उसके बाद नहीं लगाएं. अच्छा, और पैच टेस्ट आप यहाँ भी कर सकते हैं? यहाँ भी. इस ज़्यादा बेहतर ही होता है कि आप इस जगह वो पैच टेस्ट जो वो कर लें. हाँ जी. अच्छा, इसको किया क्या है कि मैंने किया क्या है इसको कि दो एक हफ्ते पहले इस जूनिपर बेरीज को मैंने कूट के जैतून के तेल में मिला कर इसको धूप दे दिया. ओके. अगर आप वैसे हर्ब्स में होता है कि बहुत बदबू आती है, लेकिन ये स्मेल को ख़त्म करती है. इवन कि ये नज़र उतारने के लिए भी बहुत अच्छी होती है, इसकी धुनी दी जाती है. ओके. मैं अपनी बेटी को दूंगा फिर. आपने करना क्या है, इसका थोड़ा सा इसमें तेल में से आपने एक कप तेल गर्म करना है. इसको मैं ऐसा करती हूँ, इसमें से सिर्फ तेल. अच्छा, इसमें एक कप निकालना है? सिर्फ एक कप निकालना है. मैं चाह रही हूँ कि बूटियाँ ना आए ना. अगर बूटी आ जाएगी तो क्या होगा? छन्नी से. है ना आपके पास? नहीं, नजर नहीं आ रहा. कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं. ये भी घरेलू एक वो, एक कप आपने निकाल लिया. ओके. ठीक है, ये ली. अभी वैसे मुझे बहुत सारा काम है तो ऑयल का ही है. अच्छा, अब मैं इसमें क्या करूँगी, देखें अगर आपको शहद का मोम नहीं मिलता, मैं क्योंकि जमा करती रहती हूँ, मुझे मिलता है नहीं मिलता, तो आप फिर ये वाली चीज़ आप क्या करेंगे, आप बहुत अच्छी किस्म की कोई मोमबत्ती लेकर वो डाल देंगे. वैक्स डालना. वैक्स डाल देंगे. ठीक है. मगर अगर आपको ये इस तरह का शहद मिल जाता है तो वेल एंड गुड. आपने जिस तरह मैंने इसमें से शहद हटा दिया है. ओह वाओ. ठीक है, थोड़ा सा शहद अगर इसमें आता है तो मैं अपनी चीज़ों में डालती हूँ. ये है प्योर. सही है, ये है नेचर. आपने क्या करना है, इसको इसमें से जो शहद थोड़ा बहुत है उसको भी निचोड़ना. Okay, और ये okay. आपका जो मोम है आप ये जो इसमें शामिल करें. अच्छा, याद रखिए जी, ये अगर आपके पास नहीं है तो आप वैक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं. रेसिपी हमारी जो है स्क्रीन पे चल रही है, उसको देख लीजिए. इस वक्त ये जो क्रीम बन रही है सेलुलाइट ख़त्म करने की क्रीम है, और इससे आपकी स्किन जो है वो बेतहाशा टाइट हो जाएगी, आपके जो लूज़ बाजू हैं ये ठीक हो जाएंगे, दुरुस्त हो जाएंगे. जी इंशाल्लाह. लेकिन याद रखिए, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, डाइट बहुत ज़रूरी है. दुनिया की कोई रेसिपी, कोई दवा काम नहीं करेगी इफ़ यू डोंट एक्सरसाइज. इफ़ यू डोंट एक्सरसाइज कोई दवा काम नहीं करेगी. अच्छा, ये होता क्यों है, ये भी ख़वातीन को याद रखना चाहिए. जो क्रश डाइट पर चली जाती हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटीन का इस्तेमाल करती हैं, तो आपकी बॉडी लूज़ हो जाती है. खुदारा आप मतलब अपने पर रहम करें और बहुत ज़्यादा क्रश डाइट बिल्कुल न किया करें. जो 7 दिन की डाइट, 8 दिन की डाइट, 12 दिन की डाइट, और उसमें सिर्फ आप प्रोटीन ले रहे होते हैं, जैसे ही आप इसको छोड़ते हैं तो फिर आपकी स्किन लूज़ होना शुरू हो जाती है. तो इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है कि आप ये हरकतें ना करें. अब ये गर्म हो जाएगा, दोनों मिक्स हो जाएंगे. ठीक है. अच्छा, फिर इसके बाद इसको हम हिलाते रहते हैं. जी जी बिल्कुल, आते रहिए. आपने क्या, मैं फिर बता देती हूँ. जूनिपर बेरी आपने लेना है, उसको कूटना है, जैतून का तेल लेना है, उन दोनों का इन्फ्यूजन तैयार करना है. 7 दिन के लिए धूप में रखना है, धूप में रखें. आपने अगर किसी डार्क पार्ट में रखना है, डार्क पोर्शन जैसे वहाँ रखें, ये इन्फ्यूजन हो जाता है, उसमें से इसकी स्मेल आनी शुरू हो जाती है. Okay. फिर आपने क्या करना है, अच्छी मोमबत्ती लेना है. मोमबत्ती नहीं है, शहद है तो शहद का मोम है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो आप मोमबत्ती ले लें. मैं हमेशा थोड़ा सा इसमें ताकि शहद का इन्फ्यूजन हो जाए, ताकि वो बॉडी टाइटनिंग में काम आए. तो जब भी मैं ये बनाती हूँ तो मैं इसी तरह के मोम से बनाती हूँ, इसलिए मैंने बनाया ताकि. अच्छा, और अगर आपको शहद का ना मिले तो आप नॉर्मल वैक्स भी यूज कर सकते हैं. जी बिल्कुल, नॉर्मल वैक्स यूज कर सकते हैं. अच्छा, अब ये दोनों आपस में मिलेंगे और आपकी क्रीम तैयार होना शुरू हो जाएगी. ओके जी, ओके. एक टेलीफोन कॉल है, लेट मी टेक दैट. और उसके बाद आप हमें कॉल कर सकते हैं, कॉल करने का नंबर आपके पास है. कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप डू कॉल अस. जी अस्सलाम वालेकुम, थोड़ी हेल्प करो, जरा कॉल लो. हेलो अस्सलाम वालेकुम. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जी. कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं कराची से बात कर रही हूँ. जी नाम क्या है आपका?
जी मिसेस सुलेमान हूँ मैं, मुझे डॉक्टर बिल्किस से बात करनी है। जी जी बिल्कुल कर सकती हैं। जी जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। जी डॉक्टर बिल्किस, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। जैसे मेरी बेटी है वो 18 ईयर्स की है, ठीक है, उनके बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं और स्किन भी है ना, इनके पैचेस वगैरह भी गाल पे बहुत आ गए। किसके पैचेस आ गए? बेटी के ही आ गए हैं, और इनको कब्ज भी बहुत रहता है। अच्छा कब्ज रहता है तो अच्छा ठीक है, पैचेस आ गए। देखिए कब्ज एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसको दूर करने के लिए जो फ्रूट्स वगैरह है वो मैं बता देती हूँ। आलू बुखारा, अमरूद, इसका इस्तेमाल कराया करें। बाल गिर रहे हैं तो आप मेरे क्लिनिक आ जाएं, आपने कॉल किया है, मैं जो ट्रीटमेंट है वो मैं इंशाल्लाह आपको फ्री दूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारी तालियां, थैंक यू सो मच। लेकिन साथ साथ अच्छा ये उबलना शुरू हो गया, साथ साथ मैं एक और बात बता दूं, इसका ताल्लुक जो है वो आपके न्यूट्रिशन से बहुत ज़्यादा होता है। और हमारे मुल्क में साफ सी बात यह, सीधी सीधी बातें करनी चाहिए, साफ सी बात यह कि बहुत ज़्यादा पैसा वैसा लोगों के पास होता नहीं है और बड़ी मुश्किल से दे मीट एंड मीट, तो उसके अलावा क्या किया जा सकता है कि न्यूट्रिशन के प्रॉब्लम्स तो हैं ही, जिनके पास है उनके पास बहुत है और जिनके पास नहीं है उनके पास कम है। एक टेलीफोन कॉल है, एक और लेते हैं उसके बाद हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी डॉक्टर, इस्सा से बात करनी थी। हाँ जी डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम भाई। हाँ सर, मेरे बाल बहुत गिरते हैं, खुश्की बहुत है, इसका कुछ हल? गंजापन भी बहुत है। ओके आप एक काम कीजिएगा, आराम पहले से पूछ लीजिए किस एरिया के अंदर है। हाँ तकरीबन सर के बाल गिरते हैं या गिरते भी हैं? मैंने छोटे भी करवाई हैं लेकिन फिर भी गिरते हैं। चले ठीक है, एक तो पानी का इंटेक बढ़ा दीजिएगा, अराउंड 8-10 ग्लास तक जरूर पानी पूरे दिन में पिया करें। सेकेंडली ये है कि आप एग का ऑयल ले लें, अंडे का तेल ले लीजिएगा, ऑलिव ऑयल ले लीजिएगा, ये दोनों ऑयल मिक्स कर लें और जब लगाना होगा तो 1 टेबलस्पून ऑयल का लेंगे और 1 टेबलस्पून नीम गर्म पानी का लेंगे, मिक्स करके बालों की जड़ों में लगा के चाहे तो 2 घंटे रखें और चाहे तो पूरी रात भी रख सकते हैं। हफ्ते में 3 एप्लीकेशन कीजिएगा, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। और दूसरे इन्होंने कहा कि सर में खुश्की बहुत है, जिन लोगों को बहुत ज्यादा खुश्की है मेन कॉज बाल गिरने का एक ये भी होता है, कमेला नाम की एक जड़ी बूटी आती है, उसको पीस कर पाउडर बनाएं और पानी के साथ पेस्ट बनाकर अपने सर पर, भाई के बाल चूंकि छोटे हैं तो पूरे सर पर लेप कर लें और 15 से 20 मिनट के लिए आप छोड़ दें, उसके बाद सादे पानी से रिंस कर लें तो इंशाल्लाह आपकी जो खुश्की का प्रॉब्लम है ये ख़त्म हो जाएगा। और डॉक्टर ईसा ने जो तेल बताया है वो आप इस्तेमाल करें या फिर रानी सेहत टॉनिक एक बहुत ही बाकमाल है आपके गिरते हुए बालों के लिए, तो वो आप हमसे ले सकते हैं, चैनल के हवाले से लेंगे तो हम आपको फ्री भेज दें। एक टेलीफोन ब्रेक लेनी है, एक टेलीफोन कॉल नहीं ले लें? अच्छा हमारे पास ये क्रीम जो है ये बन रही है जब ब्रेक, इस वक्त ये इस तरह के महलूल की सूरत में मौजूद है और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो ठंडी होते होते ये क्रीम बन जाएगी। इस क्रीम को अप्लाई किस तरह से करना है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ब्रेक के बाद याद रखिए अगर आप ये लगाएंगे तो आपकी ये जो फाजिल गोश्त होता है इजाफी जो आपकी स्किन लटक जाती है वो बेहतर हो जाएगी और ये टाइट हो जाएगी। लेकिन मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, खुदा का वास्ता अपनी डाइट पर कंट्रोल कीजिए, खुदा का वास्ता एक्सरसाइज कीजिए, विदाउट दैट कोई भी चीज़ दुनिया की कोई दवा काम नहीं कर सकती। वक्ती तौर पर शायद असर कर जाएगी लेकिन जब तक आप अपने लाइफ स्टाइल को हेल्दी नहीं बनाएंगे तब तक कोई चीज़ वर्क नहीं करेगी। छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। कुछ लोग बहुत जोर से तालियां बजा रहे, कुछ लोग खत्म ये तो मसला है, यही तो मसला है। हम लोग अभी इंडिया के शो में बैठे पागल हो रहे थे, मुझे को पाकिस्तानी शो इसलिए कोई नहीं बजा। ताली बजाओ। आ जाइए। हाँ जी तो अच्छा ये वाकई ठीक होने लगा है, आपको मैंने दिखाया था जाने से पहले, लुक एट दिस, जाने से पहले ये महलूल की सूरत में था और ये बहुत ज़्यादा वाटरी था, अब आप देख लें थोड़ा सा ये क्रीमी शेप इख्तियार करता जा रहा है। और ये अगर किसी को चाहिए तो बता दें, आपको हर चीज़ चाहिए होती है, वाई इज इट? मैं दे सकता हूँ ये? हाँ जी बिल्कुल, बल्कि मैं चाह रही थी कि यहाँ पे इनका ट्रीटमेंट करके बताया जाए इसको एप्लीकेशन कैसे किया जाता है। आइए जी आइए, तालियां बजाइए इनके लिए, बहुत सारी। आप ये बताइए आपका नाम क्या है? यहाँ आइए सुरैया, इधर आइए भाई, यहाँ पर। हाँ अच्छा यहाँ पे। हाँ। अच्छा ओके सुरैया जी उधर जाइए, सॉरी। जी 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 माशाल्लाह, क्या प्रॉब्लम है?
माशाल्लाह ये जोड़ों में दर्द होती है तो जोड़ों के दर्द की तो नहीं चाहिए ना, ये तो जोड़ों के दर्द की दवा नहीं है। किस चीज की है ये? दिल की है ना? जिल्द की है जी। नहीं देखिए ये एक काम हो सकता है, अगर आ ही गई हैं तो इनकी जो सेल्यूलाइट की हम बात कर रहे थे, टाइटनिंग की बात कर रहे थे, इनकी इनकी जिल्द आई थिंक कैन बी अप्लाई हियर, कैन बी अप्लाई हियर, ये जो आपकी डबल चिन है ये खत्म हो सकती है। हां लगा सकते हैं इधर, बिल्कुल इधर लगा सकते हैं। हां हां जी लगा दें, लगा दें जी, लगा दें। अप्लाई करने का तरीका बता दीजिएगा जी। मैं बता देती हूं, देखिए जब भी आप, वैसे मैंने आपका एक शो देखा था, बहुत जबरदस्त था, आप लाहौर गए थे, जिसने डबल चिन का बताया था, हदीका वो बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज आप लाजमी करें अगर आप अपनी चिन नहीं चाहते। और सेल्यूलाइट के तौर पे जैसे इनके देखें यहाँ पर वो बना हुआ लंप सा बना हुआ है, कभी भी आप भी आप कोई भी ट्रीटमेंट लंप पे करने जाएं तो आपको पता होना चाहिए वो फैट है या कोई और चीज़ है, कोई थायराइड का मसला तो नहीं। कोई भी चीज़ अप्लाई करने से पहले स्पेशली इस एरिया में आप लाजमी पूछें आपको कोई थायराइड कोई और इशू हार्ट वगैरह का तो नहीं है ना। ठीक है, इसको आप जस्ट करें सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन पे। ओके फिर अब इस तरफ ले जाए, घर में जो खवातीन है वो इसको इस तरह अप्लाई करेंगी यहाँ पे सर्कुलर मोशन में। ठीक है, और टैपिंग भी बीच बीच में अगर करती जाए तो अच्छा है। अच्छा ओके टैप करें। ठीक है, आपने फ्रिक्शन पैदा करें ताकि वो सेल्यूलाइट होते जाए, वो ब्रेकआउट ब्रेक, ओके सही है। और जो चीज़ें मैंने लगाई हैं वो बेस्टेस्ट हैं, पूरी दुनिया में इसी चीज़ के लिए यूज़ होती है और बहुत आसान है, सिर्फ दो चीज़ें, जुनिपर और ऑलिव ऑयल। ठीक है ठीक है, फिर आपने ये मैं घर का तरीका बता रही हूँ। ठीक है, और अगर आप हमारे जैसे अगर यहाँ मेरे ट्रीटमेंट्स पे आते हैं तो फिर ट्रीटमेंट्स के लिए मैं अल्ट्रासोनिक रेज यूज़ करती हूँ ताकि फिर वो इस चीज़ों को, अगर ये शायद खुला नहीं है पीछे से ना, बंद है पीछे से, बंद यहाँ से। ओके वैसे तो अभी खुल गया जी। ओके ठीक है ठीक है, अब चौके हो गया। अरे अकलमंद हो गया, जा। ठीक है, अब इसको जस्ट किया, जस्ट करने के बाद आप बताइएगा अगर आपको जोर से कुछ महसूस हो, करंट वगैरह, वैसे होगा नहीं, ये बहुत लाइट है, इसको इस तरह करके प्रेस करना है। अच्छा लेकिन ये घर में तो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसीलिए मैंने आपको बताया अगर आप घर में करना चाहते हैं तो घर का भी मैं आपको बता देती हूँ, कोई इशू नहीं है। एक तो आपको टैप करना है, जिस तरह मैंने टैपिंग का बताया आपने टैप करना है। एक चीज आपके घर में बहुत अच्छी होती है सेल्यूलाइट के लिए, जब ना दूसरे लोग बात कर रहे हो ना तो चुप रहते हैं, बिकॉज माइक आपके लगा हुआ खुला हुआ, उनको पता नहीं चलेगा ऑडियंस को। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी आ जाए प्लीज बताइए। देखिए ये मशीन आपको इंडिकेट करे कि पेनिट्रेट हो रहा है अंदर, ठीक है, इनकी जो चीज है ये जो हमने क्रीम लगाई। अच्छा इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा होता है लिफ्ट हो जाता है। Okay. आप बहुत सारे दूसरे ट्रीटमेंट्स लेते हैं, एक तो ये सेल्यूलाइट हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा और आपका ये लिफ्ट हो जाएगा, लिफ्टिंग की तरफ आ जाएगा। ठीक है आप, ठीक है आप, तो आप यंग नजर आने लगेंगे। जी बिल्कुल यंग नजर, आपके रिंकल्स दूर हो जाएंगे। जी जी रिंकल्स और ये सेल्यूलाइट, ये बम्प जो जैसा इनका है ना, फैट जो है ये खत्म हो जाएगा। लेकिन एक ट्रीटमेंट में तो नहीं होगा, कितने? ऑब्वियस एक ट्रीटमेंट में नहीं होगा, लेकिन मेरे हमारे पास जो आते हैं उनके तीन ट्रीटमेंट्स के बाद वाजिब फर्क, पहले ट्रीटमेंट में ही नजर आना शुरू हो जाता है, तीन ट्रीटमेंट के बाद वाजे फर्क नजर आना शुरू हो जाता है, ये लिफ्ट हो जाता है। अच्छा आपकी गिजा क्या क्या है, कितना खाती हैं आप, ऑनेस्टली बताइएगा सच्ची सच्ची। सुबह मैं एक दो पापे खाती हूँ चाय के साथ, और दोपहर में एक रोटी खाती हूँ, और जो शाम को भी एक रोटी, और उसके अलावा बीच में कुछ नहीं खाती। बीच में कुछ नहीं खाती, कुछ नहीं खाती, नहीं कुछ नहीं खाती। मेरा ब्लड प्रेशर इतना, फिर तो आपका वेट कब से बढ़ा था, कितने दिन हो गए बढ़े हुए वेट को? नहीं वेट तो मेरा ख्याल है तकरीबन ये 2 साल हो गया, जरा थोड़ा सा मतलब वेट बढ़ गया और खून कह रहे गाढ़ा हो गया, और मैं लहसुन खाती हूँ उससे मेरी तबीयत बिल्कुल सही है, अल्लाह का शुक्र। लहसुन के अलावा एक और बहुत अच्छी चीज़ होती है प्याज, प्याज का जूस निकाल के शहद में मिला के जिनको खून ना करें, हमारे पॉलिटिशियन को पता चल गया पहले वो प्याज रोटी देता है और मजीद कुछ और ये भी बहुत अच्छी चीज़ है वो करें। अच्छा आपने कहा था घर में तो मशीन मौजूद नहीं तो क्या करें, ये ऑयल बनाना तो हमने सिखा दिया, उसके बाद आपने घर में क्या करना है, एक अजवाइन की पोटली बनानी है। ठीक है, अजवाइन की पोटली बनाकर गर्म पानी में उसको डालना है। ओके सही, इस पोटली को फिर मतलब गर्म पानी में इतना डिप करना है कि वो बिल्कुल जो गर्म पानी वो अजवाइन में एब्जॉर्ब हो जाए, सोक हो जाए, सोक हो जाए। ठीक है, फिर उसको इस तरह करके टैपिंग करनी, उसको वो टैप करके हल्का हल्का किया ब्रेकआउट्स के लिए, आपने किया टैप किया फिर हल्का सा थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए 1 मिनट के लिए छोड़ दिया, फिर टैप किया फिर छोड़ दिया। आप बिलीव करें साहिर, जितने लोग सुन रहे हैं ये बात,
आज ही ये चीज़ें तो इतनी आसान है, आप बना लेंगे और जो मैंने बताया वो करेंगे। अगले प्रोग्राम तक आप अगर आप में सच्चाई होगी तो आप कॉल करके बताएंगे कितना फ़र्क पड़ा है। नहीं, अच्छा, और दूसरी बात ये कि देखिए ये तरकीबें या ये रेसिपीज़ तो हम आपको बताते हैं, बट एट द सेम टाइम अगर आप इसको ट्राई नहीं करेंगे और उस ऑर्डर में ट्राई नहीं करेंगे जिस ऑर्डर में बताई गई है तो फिर उसका फ़ायदा नहीं होगा। फॉर इंस्टेंस बना लिया है तो फिर आपको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, उस मूवमेंट को फॉलो करना है, वो अजवाइन की पोटली ज़रूर बनानी है, 5-5 मिनट टैप करना है, 1 मिनट का ब्रेक देना है, फिर 5 मिनट टैप करना है, फिर 1 मिनट का ब्रेक देना है। इस तरह से आपको ये तमाम प्रोसेस करना पड़ेगा और 7-8-10-15-20 ट्रीटमेंट्स करने पड़ेंगे, तब कहीं जाके आपका ये जो होगा चिन्ह ये नीचे जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप ये तो सब कर लें और साथ साथ आप सारे फैटी स्टफ जो है वो खाते रहें। एक्सरसाइज कीजिए, चिन की एक्सरसाइजेज होती हैं, एब्डोमिनल एक्सरसाइजेज होती हैं, रनिंग कर लीजिए। आपका घर के अंदर पोछा लगाना दुनिया की सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज है, आप वो लगा सकते हो, झाड़ू लगाना बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो यू नो ऑल दैट यू हैव टू डू, लेकिन आपको अपनी ग़िज़ा को मेंटेन करना पड़ेगा, आपको हेल्दी लाइफ स्टाइल की तरफ आना पड़ेगा। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं, बहुत अच्छा ये आपने जो एक्सरसाइजेस बता रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है, मतलब हेल्दी रहने के लिए। आई मीन बहुत सारे लोग वज़न कम करने के लिए चीज़ें यूज़ करते हैं, ज़रूर कीजिए, लेकिन एक्सरसाइजेस तो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए। और प्लीज़ और वॉक प्लीज़, अ फ्रेंड ऑफ माइन हैज़ पास्ड अवे, ही वाज 34 इयर्स ओल्ड ऑफ अ हार्ट अटैक। अपना आप पीरियडिक चेकअप जो है वो ज़रूर करवाइए। वो घर वापस आए, अपनी मिसेस से कहा है कि मैं आई एम टेकिंग द शावर एंड प्लीज़ आप डिनर लगा दीजिए। जब वो वापस आई हैं डिनर लगा के, तो ही वॉज नॉट कमिंग आउट ऑफ द शावर, तो जब वो अंदर गई हैं तो ही वॉज ऑन द फ्लोर एंड ही वॉज डेड गॉन। ऐसे इंस्टेंट, एक इंस्टेंट के अंदर वो चला गया बंदा। वी हैड नोन हिम फॉर पास्ट 15 ईयर्स, हमारे साथ वो पले बढ़े हैं एंड वी वेरी सैड अबाउट हिम। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि देखिए आजकल ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, पीरियोडिक चेकअप्स अपने बहुत ज़रूरी हैं। और याद रखिए ये मिसाल मत दीजिए कि मेरे पास पैसा नहीं है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाइए, डॉक्टर नहीं है शोर मचाइए, खुदा का वास्ता शोर मचाइए कि डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर को आना ज़रूरी है, वहाँ पर पहुँचना ज़रूरी है। कॉल्स हैं जी, ज़रा आप कॉल लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? जी मैं शाजिया बात कर रही हूँ, कराची से। अच्छा जी, किससे बात करना चाहेंगी? जी मैं डॉक्टर बिल्की से बात करना चाहूँगी। अच्छा जी, डॉक्टर जी, डॉक्टर साहब से बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बिल्की, मैं तो आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं आपको पिछले 7 साल से देख रही हूँ। बहुत शुक्रिया। आपकी जो टोटके होते हैं, आपके जो टोटके होते हैं वो बहुत मुफीद और कारामद होते हैं। मैं आज तक आपसे मिली नहीं हूँ लेकिन मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। हम रोज तो मिलते हैं कहीं ना कहीं। जी रोज तो मिलते हैं कहीं ना कहीं। बस मुझे ये मालूम करना था कि मेरे बाल जो है वो बहुत गिर रहे हैं, बहुत गिर रहे हैं और रुक नहीं रहे, उसके लिए मुझे कुछ मालूम करना था। अच्छा ठीक है, देखिए अभी साहिर ने जो बातें की है वो बिल्कुल सही है। कोई भी चीज़ होती है वो इंडिकेशंस होती है, अगर बाल गिर रहा है तो पुअर न्यूट्रिएंट है, कोई ना कोई आपको हार्मोनल इंबैलेंस हो रहा होगा, थायराइड का इश्यू हो रहा होगा, आयोडीन की कमी हो रही होगी, कुछ ना कुछ तो होगा जिसकी वजह से आपके बाल गिर रहे हैं। इंटरनल इन्वेस्टिगेशन लाजमी कराएँ। एक्सटर्नली मैं आपको बता देती हूँ, अगर बहुत ज़्यादा एकदम गुच्छों में बाल गिर रहे हैं तो एक बहुत आसान सा नुस्खा है, आपने एलोवेरा जेल निकालना है, उसमें आपने एक जो अंडे की जर्दी है वो मिक्स करना है, थोड़ा सा दही के जो पानी होता है अलग करके, दही को निचोड़ के उसका पानी अलग करके उसको अच्छी तरह मिला लें, प्याज लहसुन या अदरक, इन तीनों में से लीनियम होता है, तीनों में से जो इजीली अवेलेबल हो उसमें से एक चम्मच उसका जूस निकाल के इसमें मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद सर की जड़ों में अच्छी तरह लगा के स्टीम ज़रूर दे बालों को। स्टीम देने के बाद आधे घंटे बाद आप किसी अच्छे शैम्पू से वॉश कर लें और ये अमल रोज़ाना करें, जब तक आपको पता नहीं चलता कि आपके बाल गिर क्यों रहे, और इंशाल्लाह ये आपकी कुछ ना कुछ हेल्प करेगा। लेकिन जब ये पता चल जाए कि बाल गिरने की वजह क्या है तो आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे इंशाल्लाह। और जिनके बाल गिरते हैं, आप देखें मछली नहीं खा सकते, आप मेथी खा सकते, आप बड़े का गोश्त नहीं खा सकते, आप माश की दाल खा सकते। अल्लाह ताला ने हमारे साथ बड़ा इंसाफ किया है, बहुत सारी चीज़ें जो बहुत कीमती महंगी चीज़ों में होती है वही चीज़ें हमारे पाँव के नीचे रूंधने वाली जड़ी बूटियों में भी होती है। मेरी हमेशा कोशिश होती है वो लाकर भी मैं आपको बताऊं। लेकिन माश की दाल एक ऐसी चीज़ है वो आपकी गोश्त की कमी को पूरा करता है, तो माश की दाल इतनी महंगी नहीं हुई, अगर एक पाव भी आप ला के बनाते हैं वो अच्छी बनती है, आप माश की दाल ला। लेकिन आप उनको ये भी बताइए कि आप अपने हक के लिए लड़े हैं, ऐसी बात नहीं है, वो गोश्त क्यों खाएं और तुम माश की दाल क्यों खाओ, सीधी सीधी बात ये है, मतलब मुझे क्या इंतजार करना पड़ेगा? गलत बात है, कॉल है, कॉल लीजिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? आयशा बात कर रही हूँ, इस्लामाबाद से। जी आयशा, किससे बात करेंगी? मुझे वो एक तो इरफान के लिए मुझे ऑयल चाहिए था, और डॉक्टर ईसा से बात करनी है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, पूछिए। मुझे इरफान के लिए ऑयल चाहिए था, और मुझे डॉक्टर ईसा से पूछना था कि आपने वो बताया था आई साइड के लिए ना, वो गाजर का जूस और वो सौंफ वाला, तो उसको पूछना था कितने घंटे धूप पे रखना है। अच्छा, मैं दोबारा बता देता हूँ, आप 2 किलो गाजर ले लें, बल्कि जितने सुन रहे हैं गाजर का मौसम अब जाने वाला है, फौरन ले लीजिएगा गाजर 2 किलो। उसमें से आप जब जूस निकालेंगे तो 1 किलो के करीब, यानी कि 1 लीटर निकलेगा। 1 लीटर को घर के किसी बर्तन में आप रखें, और आधा किलो सौंफ को साफ करके उसमें डाल दीजिएगा। बारीक कपड़ा लगाकर आप धूप में रख दीजिए, ताकि उसमें मैस्किटो और कोई डस्ट वगैरह नहीं जाए। रोज़ाना उसको खोलकर लकड़ी के चम्मच से 1-2 दफ़ा उसको घुमाइएगा, कहीं 6 दिन कहीं 8 दिन धूप के हिसाब से वो ड्राई हो जाएगा। सौंफ अपना पानी वो पी लेती है अपने अंदर, जब वो देखें कि ड्राई हो चुका है तो अखबार में बिछा कर धूप में ड्राई कर लें। बड़े और बच्चों ने खाना है तो थोड़ा सा बादाम, थोड़ी सी मिश्री डाल के पाउडर बना लीजिएगा। 1 टीस्पून सुबह, 1 टीस्पून शाम, पानी के साथ भी ले सकती हैं, दूध के साथ भी ले सकती हैं। अगर 1 साल खा लिया तो चश्मे उतर जाएंगे। अरे जी, एक और टेलीफोन कॉलर जा रहा, लीजिए बलवशा, आप ले लीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ड्रॉप, हेलो। नहीं नहीं, ड्रॉप नहीं हुआ है, बात करेंगे तुमसे। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी बात करनी थी ना, अभी थोड़ी देर बाद होगी बात। बोलिए। हेलो। नहीं नहीं, आप बात कर रही हैं, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं कराची से बात कर रही हूँ। जी आपका नाम? जी मेरा नाम फराह है। फराह जी, फराह किस से बात करेंगी? जी मुझे डॉक्टर ईसा से बात करनी है। जी 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 बहन, बात कर रहा हूँ। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहब, मुझे मेरे जो ना एड़ियों में ना बहुत तकलीफ रहती है। ठीक है जी, जब मैं सुबह में खड़ी होती हूँ ना, रात में तो सही होता है, सुबह में खड़ी होती हूँ ना बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। अच्छा, पाँव में जलन तो नहीं होती? नहीं, जलन नहीं होती, एक साइड के घुटने में, उल्टे साइड के घुटने में होती है, और वैसे तकलीफ बहुत होती है। अच्छा ठीक है, आप एक काम कीजिएगा, जरूर आप डॉक्टर के पास भी जाएं, अपना चेकअप भी कराएं। आज का शो देखिए ना, जोड़ों के दर्द के बारे में तो आज हम बात करने वाले हैं, आज का शो जरूर देखिएगा। इसके साथ ही जो इनकी एड़ियों का दर्द है उसके लिए भी बता दें। आसान सा एक तरीका बता देता हूँ, क्योंकि जोड़ों के दर्द के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन जो आप लोग घरों में बना सकते हैं, आप 100 ग्राम जो है ऑलिव ऑयल ले लें, जैतून का तेल, 50 ग्राम जो लहसुन आपके घर में मौजूद है उसको बारीक करके उस तेल में अंदर पकाएं, इतना पकाएं कि लहसुन जल जाए। इसको छान लीजिए, जहाँ जहाँ दर्द है वहाँ मसाज कीजिए 5-10 मिनट के लिए, और थोड़ा सा कपड़ा ऊपर रखें ताकि उसको डायरेक्टली हवा नहीं लगे, दर्द अल्हम्दुलिल्लाह उसी वक्त रिमूव हो जाएगा। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस। और एक दरमियाने साइज के कच्चे आलू का आप जूस निकालें, और वो रोजाना 15 दिन तक पीजिए, इससे इंशाल्लाह आपका बहुत ये दर्द। दरमियाने साइज का कच्चा आलू छील कर उसको धोकर उसका जूसर में जूस निकालें, और ये जूस। रानी, आप आपने कभी अपने आलू इजाद नहीं किए? रानी के आलू पीस लीजिए। I'm just thinking, जब सभी चीजें इजाद हो गई तो रानी के आलू भी होने चाहिए। चले इंशाल्लाह। मैं आप हम लोग दोनों बिजनेस पार्टनर बनते हैं इसके अंदर। आप रानी के आलू बनाए, मैं बेचने निकलूंगा। रानी के आलू ले लो। लेकिन ये सारी बातें बहुत अच्छी है, मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूँ, एक्सरसाइज एंड डाइट। मुंह पे टेप लगाओ। ये जो खाना वाना जो होता है ना, टीवी देखते हुए चाय पी ली, चाय के साथ बिस्किट खा लिए, बिस्किट के साथ पता नहीं क्या कुछ खा लिया, और हम हर चीज़ खा लेते हैं एक साथ। हमारे मुल्क में पता नहीं क्या अजीब सी हम सबको एक आदत है कि हम सैलड खाएंगे इतना सा, और नहारी खाएंगे इतनी ज़्यादा, और उसके बाद कहेंगे मैं पतली नहीं हो रही, क्या वजह क्या है? ऑब्वियसली पतली नहीं होंगी आप जी, क्या ये हो गया? बस वो जो बताया था, अगर पहले और उसमें आप देखें कि इनका आपको फर्क मतलब, हालांकि मैंने 2-5 मिनट किया ही नहीं, जो आई थी और ये देखिए इनका, ये जो इनका था ये भी थोड़ा सा कम हुआ। आप सीधे सीधे जोर से होइए ताकि, अच्छा लिटरली फर्क लग रहा है, यहाँ से वाकई कम लग रहा है, वाकई कम लग रहा है। वेरी नाइस, सी वेरी वेरी नाइस। और पूरा किया भी नहीं है, सिर्फ 5 मिनट जो आपसे बात करते करते जितना किया था, बस वो पेनिट्रेट अच्छी तरह हो गया। और यही चीज़ आप घर में बना के जिस तरह बता रही हूँ आप कीजिए, उससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। और जहाँ तक जोड़ों के दर्द और पाँव की बात हो रही थी, यूरिक एसिड लाजमी चेक कराएँ, और रात को चावल और बड़े का गोश्त ना खाएँ, उससे भी दर्द कम हो। ऑलराइट, आइए
और एड़ियों का दर्द हमेशा यूरिक एसिड की कमी की वजह से। क्या करें क्या करें? एड़ियों का दर्द यूरिक एसिड। अच्छा, जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो वो क्या प्रिवेंशन करें बता दीजिए प्लीज। उसी के लिए बता रही मैं, कच्चे टिश्यू पेपर वेपर नहीं दे रहे हम लोग, क्यों देंगे? गर्दन वर्दन कोई साफ नहीं हो रही आपकी, चले अंदर जाइए, गर्दन साफ हो रही है, टिश्यू पेपर दे रही। टिश्यू पेपर क्यों दे, फ्री के मिलते हैं टिश्यू पेपर, हर चीज फ्री मिल जाए। ये लीजिए ये लीजिए ये लीजिए, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है वो क्या करें? यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो रानी आपा ने बताया है, जूस का आपने कहा छिलका उतार दें, जी जी। लेकिन छिलका नहीं उतारे, छिलके की समय थी, क्योंकि आप जूस निकाल के पी रहे या आलू का छिलका जो होता है उसको उबाल के पिए, या कच्चा पपीता, कच्चे पपीता के सिर्फ एक क्यूब, सिर्फ एक क्यूब को दूध में उबाल के पिए, और आलू आप बता रही हैं, आलू को ग्लिसरीन में मिलाकर लगाएं भी, जहाँ जहाँ आपको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, आपको विद इन 5 मिनट आपको रिलीफ मिल जाएगा, उसी 5 मिनट के अंदर। क्योंकि आलू करता क्या है, आपके यूरिक एसिड के क्रिस्टल पार्टिकल्स जो खून के गिर्द आपके जम जाते हैं, आपके जोड़ों के गिर्द, उसको बाइट करते हैं, उसको खा जाते हैं। ओ, वाह। और आपका ब्लड फ्लो ज्यादा सही होगा। अगर लोगों को ये पता चल जाए क्या कि आलू के छिलके की कीमत क्या है, तो आलू नहीं खाएंगे, छिलका इतना कीमती। ज्यादातर सब्जियों का जो छिलका है वो बहुत ज्यादा फायदेमंद है जी। तो आज के बाद आप लोग जब भी आलू खाएं, आलू मत खाएं, सिर्फ छिलके चबाएं। देखो छिलका, अच्छा छिलके के फायदे क्या है? बेसिकली आलू की जितनी भी विटामिन है ना, वो उसके छिलके में होते हैं। अच्छा, उसको हल्का सा उतारना चाहिए, हम पूरा छील देते हैं। हाँ बिल्कुल। तो बेसिकली आलू के जितने बेनिफिट्स आपको मिलते हैं वो उसके छिलके में ही होते। ओके ओके, तो आलू जब भी खाएं छिलके के साथ खाएं, आई मीन हल्का सा उतारें, उसको ज्यादा बहुत सारी लेयर में ना उतारें। ओके ओके ओके। और नए आलू का तो छिलका आपको उतारने की जरूरत ही नहीं है, आप देखिए बड़े बड़े रेस्टोरेंट में और दूसरे ममालिक में आलू का छिलका कभी भी नहीं उतारते। और जिनको जोड़ों का बहुत दर्द होता है ना, हम लोग रियूमेटाइड अर्थराइटिस की बात कर रहे थे, ये ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें आपके आखिर में जाके हड्डियाँ टेढ़ी होने लगती हैं। उसके लिए यूरोप में और दूसरे ममालिक में तहकीक के बाद क्या करते हैं लोग, जो वहाँ के किसान होते हैं, वो अपने जेबों में छोटे आलू रखते हैं, उसकी हीट से उनको ये दर्द कम महसूस होता है। और अभी प्रोटीन की बात हम कर रहे थे कि प्रोटीन हमने ब्रेक लेना है, प्रोटीन बाद में ले लेना, प्रोटीन की बात यार, जब सारा हम लोग तो शो यही कर रहे हैं, आज आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जब वापस आएंगे तो प्रोटीन की बात करेंगे, जोड़ों के दर्द की बात करेंगे, आपके चेहरे का रंग कैसे गोरा हो जाएगा आपको डॉक्टर ईसा बताएंगे, और आप यकीन जानिए इनकी इलाज से इतना फ़ायदा होता है, इतना फ़ायदा होता है। मैंने एक इनको काला आदमी दिया था, आज वो गोरा है, मैं सही बता रहा हूँ आपको। छोटा से एक ब्रेक है, आपसे मिलते ब्रेक के बाद आपकी रंगत इतनी साफ हो जाएगी कि लोग आपको देखेंगे, ओ भाई ट्यूबलाइट जा रही है भाई। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते ब्रेक के बाद। बजाइए बजाइए, जोर से बजाइए, 1 2 3 गो। ये मैं रानी आपा के लिए और डॉक्टर ईसा के लिए गा रहा हूँ, बिकॉज इन लोगों को ये गाने बहुत पसंद है, दे लव माय सिंगिंग फॉर सम रीज़न। तो मैं रानी आपा के लिए और डॉक्टर साहब आपके लिए गा रहा हूँ। डॉक्टर साहब आपकी नई मोहब्बत के नाम, रानी आपा आपकी पुरानी मोहब्बत के नाम, और वो तमाम लोग जो मोहब्बतें करते हैं उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, जिससे मोहब्बत करें उससे शादी मत कीजिएगा, वरना सिर्फ शादी रह जाती है। और क्या कह रहे हैं, मुझे आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा हाँ, तो ये जरा तालियां बजाइए, 1 2 3 एंड हियर वी गो। और ये बीट के साथ तालियां बजेंगी, 1 2 3 4। आज पलवशा तुमने गाना मेरे साथ पक्का, इधर आ जाओ बीच में बैठो। आशिकी के लिए जा
चाहिए आशिकी के लिए। हाँ एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। तुमको गाना है ये वाला नहीं आता? कौन सा गाना आता है? जो तुमको आता है वो बताओ। नहीं, नहीं तुमको जो आता है वो बताओ, तुमको जो आता है वो बताओ, ये चेंज कर देंगे भी। तुमको कौन सा आता है? अच्छा, अच्छा। कोई न्यू कौन सा? बिल्कुल ब्लैंक हो गई हूं। ब्लैंक तो तुम ब्लैंक हो, लेकिन इसके अलावा बताओ। तुम तो यू आर टोटली ब्लैंक एनीवे, सो बट प्लीज बताओ। अच्छा सोच रहे हैं आप? सोच रही हैं आज पलवशा सोच रही है, इसको मुबारकबाद दीजिए, जिंदगी में पहली मरतबा सोच रही है। वेरी नाइस यार, वेरी नाइस पलवशा, वी लव यू, सीरियसली वी लव यू। कोई गाना याद नहीं तुम्हें? नया शाहरुख खान का गाना। मेरे तो ये बड़ा भाई मेरा पीछा नहीं छोड़ता कहीं। अच्छा शाहरुख खान का ये प्लीज इनको इनके लिए गा रहा हूँ, इनके लिए गा रहा हूँ, और आपके वो जो हैं वो गा रहे हैं आपके लिए, वो जो भी हैं। हमको हमी से चुरा लो, हाय हाँ है ना। शाहरुख खान दुनिया का अल्टीमेट फेवरेट है, स्पेशली ख्वातीन का, वो रात को ख्वाब में आता है उनके। बट प्लीज प्लीज ये हमको हमी से चुरा लो, ये आपने गाना होगा मेरे साथ। ये जरा माइक वाइक बढ़ा दो, वो बीच से आ जाए। वाह वाह पलवशा शुरू करेंगे। गाइए 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 आप शुरू कीजिए। अच्छा जी अब क्या करने वाले हैं रानी आपा? अब हम जोड़ों का दर्द का इलाज बताने जा रहे हैं, और हम एक फकी भी बताएंगे, और जोड़ों का दर्द जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पर पहुंच जाता है तो किसी ना किसी दवा की ज़रूरत होती है। उसके लिए एक तेल हम बताएंगे, और वो एक दवा है, उसके अंदर चोट सज्जी आंबा हल्दी और अजवाइन पीस कर हम वो तेल बनाएंगे, और उसका लेप करना भी बताएंगे। उससे दर्द के साथ साथ इवन ये कि जो हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं, मुड़ना शुरू हो जाते हैं, वो भी रिलैक्स हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता लूज होकर ठीक होना शुरू हो जाता है। अच्छा ये टेढ़ी हड्डियाँ किस उम्र में होती हैं? ये इसके लिए कोई उम्र की कैद नहीं। I'm just asking, it's a question. देखिए अगर रिकेट्स होगा ना बच्चों में, विटामिन डी की कमी होगी, रिकेट्स होता है तो उसमें भी हड्डियाँ नरम हो जाती हैं। ओके तो आप ये आप जो रानी आपा चोट सज्जी की बात करी वो बहुत अच्छी, इसका लेप बड़ा अच्छा बनता है।
अगर बच्चों के लिए लगाएं तो सिर्फ चोट सज्जी कीजिएगा, दो जो चीज़ें वो हटा दीजिएगा। ओके, ओके। और फिर जैसे बड़े होते हैं कोई आपको डिजीज़ हो जाती है हड्डियों की, तो उसमें फिर आपकी हड्डियाँ खासकर मैं जिस तरह बात करी थी रियूमेटाइड अर्थराइटिस जिसको उर्दू में गठिया कहते हैं, गाउट कहते हैं, उसमें आपकी हड्डियाँ आस्ते 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 टेढ़ी होने लगती है। उसके लिए एक हर्बल रेमेडी बहुत अच्छी है, आप बता देंगे तो फिर मैं बताऊँ। और आप हम वहीं चलते हैं जी, जी कुछ कह रहे थे। मैं ये कहना चाह रहा था आजकल जितनी भी हमारी जो खवातीन हैं मर्द हैं विटामिन डी इतना कम है, अच्छा वो 6,000 रुपए की मेडिसिन हमसे लेने के लिए तैयार हैं, एक मेडिसिन अल्लाह ताला रोज सुबह देता है 7 बजे सुबह, पाकिस्तान में सुबह 7 से लेकर 10 बजे, इसके दरमियान 20 मिनट अगर आप थोड़े से पांचे ऊंचे रखें, यहाँ तक आप अपने आर्म्स खुले रखें, सर खुला रखें, घर के किसी सहन में ऐसी जगह जहाँ 20 मिनट आप धूप ले लें, वो विटामिन डी मिलेगा जो मेरी 6,000 की मेडिसिन में नहीं मिलता। वाओ वाओ। अच्छा आइए जरा टेबल पे चलते हैं और टेलीफोन कॉल्स लेते हैं, लेट्स सी हु दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी, हेलो हेलो, हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे ना आपके तमाम मेहमानों से बात करनी है, पहले तो अस्सलाम वालेकुम उन सबको। वालेकुम सलाम जी, तमाम मेहमानों से बात कीजिए, डॉक्टर ईसा से बात कर लीजिए। जी जी भैया, डॉक्टर ईसा से मैंने बात करनी है, मेरी बेटी है 13 साल की। हाँ जी। तो ना कमर में बहुत शदीद पेन होता है निचले हिस्से पे ना, ओके, दरमियान भी बहुत ज्यादा पेन है, मैंने बहुत ज्यादा इलाज करवाया, कोई भी अफाका नहीं है कहीं से भी, डॉक्टर कहते हैं किसी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, ना हड्डियों का कोई मसला है, हर तरह से चेकअप करवा लिया, क्या प्रॉब्लम है उसको? ओके, आप अगर जी जी, और क्या और किससे बात करनी है? अब रानी आपा भी हैं हमारे साथ। जी रानी बाजी से बात करना चाहूंगी मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने जो अपनी बच्ची का मसला बताया कि 13 साल की बच्ची है, आज हम जो दवा बताने जा रहे हैं, आप अपनी बच्ची को, बड़ों के लिए 1 टीस्पून सुबह और 1 टीस्पून शाम होगा, और अपनी बच्ची को आप आधा टीस्पून सुबह और आधा टीस्पून शाम को सादे पानी के साथ दीजिएगा, इंशाल्लाह ताला इस दवा से आपकी बच्ची का जो रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये जो हम दवा आपको खाने की बता रहे हैं ये इसीलिए है कि इससे हड्डियाँ मजबूत होती हैं, आपका निज़ाम हज़्म बेहतर होता है। और जिन लोगों को गैसेस की प्रॉब्लम होती है, कभी कभी ये होता है कि वो प्रॉब्लम अगर कहीं डिपॉजिट हो जाती है तो उसके नतीजे में भी बेहद शदीद दर्द होता है। आज अल्लाह के फजल से आपका मसला हल होने जा रहा है। एक और टेलीफोन कॉल, अस्सलाम वालेकुम जी, बल्कि आप ले लीजिए सर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं आसिया बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से, मुझे साहिर भाई से बात करनी है। जी जी आसिया बोल रहा हूँ, क्या हाल है भाई? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक बहन, आप कैसी हैं? मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है और मुझे रानिया आपा से भी बात करनी है और डॉक्टर ईसा से भी बात करनी है। चलिए जी, दोनों से बात कीजिए। प्लीज मेरी बात जरूर सुनिएगा और मुझे ना टेलीफोन पे बता दीजिए क्योंकि हमारी लाइट ऑफ है। ओके जी, बताइए जी, बात कीजिए। डॉक्टर रानी आपा से बात करनी, मेरे मुंह के ऊपर है एक्नी बहुत ज्यादा और ब्लैक हेयर्स हैं। जी जी, तो उनका मुझे कुछ बता दें। मैं आपको बता देती हूँ एक्नी के लिए और ब्लैक हेड्स के लिए, सबसे पहले तो आप अपने पास जौ का आटा बिल्कुल अपने घर में हर वक्त रखें, और जौ के आटे का और मुल्तानी मिट्टी का एक मास्क बनाकर अपने चेहरे पर लगाइए 5 से 10 मिनट के लिए। जब ये हल्का सा खुश्क हो जाए तो हल्के हल्के अपने हाथों को गीला करके मसाज करें और सादे पानी के साथ मुँह धो लें, इससे आपका जो स्किन पर एक्स्ट्रा ऑयल है वो सख होगा और यहीं से आपकी जो एक्नी है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। जहाँ तक रही बात के ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हैं, उसके लिए मीठा सोडा, खाने का जो सोडा है अपने मुंह को गीला करें और मीठा सोडा आधा टीस्पून लें, जरा सा पानी मिलाकर जिस जगह पर आपके ब्लैक हेड्स हैं, नोज़ पर, आपके चीक पर, वहाँ पर आप लगा लें, 5 मिनट के लिए छोड़ दें और उसके बाद उसको हल्का हल्का हाथों से प्रेस करें तो तमाम के तमाम नर्व होकर बाहर आ जाएंगे। और उसके बाद दोबारा से आप ये जौ का आटा और मुल्तानी मिट्टी का मास्क बना लीजिए ताकि जो ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स निकल गए हैं उसके जो पोर्स खुले हैं वो इस मास्क से टाइट हो जाए। ऑलराइट जी, डॉक्टर साहब हनी ले लें प्योर, 1 टेबल स्पून हनी लेकर उसमें आप चुटकी जो है दालचीनी की डालें, दालचीनी मिक्स करके पूरे फेस के ऊपर आप पेस्ट लगाइएगा, 30 मिनट्स के बाद आप इसको सादे पानी से धो लीजिएगा, हफ्ते में 2 दफ़ा एप्लीकेशन करें। और जो ब्लैक हेड वाइट हेड्स के लिए आपको मीठा सोडा की रेसिपी बताई गई वो बहुत अच्छी है, काम करती है, आप कर सकते हैं। ऑलराइट जी, एक और टेलीफोन कॉल है और आप जरा इसके बाद रेसिपी पे आ जाएंगे हम लोग। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? मेरा नाम फरहत है जी। काफी देर से वार्ड में हूँ, मेरी बहन के जब पैरों में बहुत ना कट लगे हुए हैं, यानी के
और बहुत खून निकलता है, तो आप उनका इलाज कर अपने पास बुला लीजिए, इलाज करा दीजिए, बहुत बीमार है। क्या है? मैं कब से कॉल में आ रही हूँ, मैं 4-5 हफ्ते। अच्छा, आप एक मिनट काम डाउन, आप मुझे ये बताइए, आपने अपना नंबर छोड़ दिया हमारे पास? जी नंबर मैंने बता दिया, मैंने तो 4 हफ्ते से फोन करी, मैंने आप लगी मेरी कॉल मेरी। अच्छा, इनकी बहन के कट्स लगे हुए हैं और उसमें से बहुत ज्यादा खून निकलता है। कहाँ कट्स लगे हुए? पांव में, पांव के अंदर कट्स हैं। तो ये देखिए, जो कट्स हैं उसको भरने का कुदरत ने बहुत ही बेनज़ीर और अनमोल तोहफा दिया हुआ है। विटामिन ई की कमी की वजह से आपकी बहन के पांव में कट्स आए हैं। आप ले लीजिए, हमारे यहाँ आजकल अल्लाह के फजल से शलजम बहुत ज़्यादा है, आप वो ले लें, उबालें और उसको बिल्कुल उबालने के बाद जब नरम हो जाए उसको मैश कर लें। मैश करने के बाद उसमें सरसों का तेल मिलाएं और क्रीम की तरह अपनी बहन के पैरों पर, एड़ियों पर उसका लेप करें और ऊपर से कोई कॉटन का सॉक्स पहन लें या कोई कपड़ा बांध दें, पूरी रात रखें। इंशाल्लाह 2-3 दिन में ये कट्स फिल हो जाएंगे और जिसको भी ये प्रॉब्लम है वो इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला उनकी स्किन का नंबर ले लीजिएगा। ये वैसे चेक, ये अच्छी बात है जो रानी आपा ने बताई, साथ में बहन ये भी चेक करा लीजिएगा कि कहीं सोरायसिस नहीं हो, क्योंकि सोरायसिस होता है बहुत इचिंग कराता है, ब्लड निकलता है। नहीं, एड़ियों में कट्स कह रही हैं। हाँ, वो आई मीन कह रही है खून बहता है, तो अक्सर तो किसी भी जगह हो सकता है, तो ये भी एक दफा चेक करा लीजिएगा, अगर सोरायसिस हो तो ट्रीटमेंट चेंज हो जाएगी। अच्छा जी, अब हम बनाने जा रहे हैं खाने की दवा जोड़ों के दर्द के लिए। उनको बहुत ज्यादा दर्द है, तो सिर्फ लगाने के लिए यही सिर्फ काम नहीं होगा बल्कि आपको खानी होगी, ये है मुस्तगी और ये है जद्वार। इन दोनों को पीस कर, चूँकि ये सख्त है तो मैंने इन दोनों को पीस कर यहाँ पर पाउडर बना लिया है। आपको 1 टीस्पून जद्वार का लेना है, कूट लीजिए इसको, और 1 टीस्पून मुस्तगी का लेना है। ये दोनों चीज़ें हैं और मैंने आपकी सहूलत के लिए इन दोनों चीज़ों को यहाँ पर पीस लिया है। और इसके अंदर हम डालेंगे किस्ते शीरिंग, ये भी पिसा हुआ है। किस्ते शीरिंग हमने एक स्पून लिया इसके अंदर, और ये हम डालेंगे इसके अंदर सौंठ, एक स्पून हमने सौंठ लिया, और 1 स्पून हम लेंगे इसमें कलौंजी। इसमें हमने मिलाया कलौंजी, सौंठ, मुस्तगी, जद्वार और किस्ते शीरी। इन तमाम चीज़ों को हम पीसकर अपने पास पाउडर बना लेंगे और 1 टीस्पून सुबह, 1 टीस्पून शाम को सादे पानी के साथ आप ये लेंगे, तो अल्लाह के फजल से बड़ों का जो जोड़ों के दर्द का मसला है वो तो, दर्द का तो मसला सॉल्व हो गई, लेकिन जो प्रॉब्लम आपके अंदर हो गई है कि हड्डियाँ मुड़ने लगी हैं और दर्द जिस वजह से हो रहा है कि हड्डियाँ आपस में रगड़ने लगी हैं या बहुत शदीद दर्द है, तो उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसके साथ ही जब दर्द बहुत ज़्यादा होने लगता है शदीद, तो हड्डियाँ जब टेढ़ी हो जाती हैं या टेढ़ी नहीं हुई फिर भी दर्द बहुत शदीद है, नसें आपकी फूल गई हैं, तो इसके लिए हम आपको एक लेप भी बताएंगे इसके साथ ही। पहले हम आपको पीस कर ये पाउडर बनाकर दिखा देते हैं। अच्छा, ये बता दें कि ये रेसिपी जो है ये हमारे पास टेलीविजन पे चल रही है, तो प्लीज़ इसको भी फॉलो कर दीजिएगा। और आई थिंक ज़रा इधर आना, ये थोड़ा सा ना हम लोगों को भी थोड़ा सा नहीं हुआ। ओके, अच्छा, जब तक मैं वो बच्ची के लिए बता देती हूँ जो 13 साल की बच्ची है, शरबत फौलाद किसी अच्छी कंपनी का अपनी बच्ची को 3 महीने तक दे, इंशाल्लाह बाज़ औक़ात खून की कमी की वजह से कमर में बहुत दर्द हो रहा होता है। आप लोग सिर्फ ये दे देते हैं HB कितना है, उसके नीचे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको आप इग्नोर करते हैं, इस वजह से होता है। तो प्लीज़ किसी अच्छी कंपनी का शरबत फौलाद लाजमी अपनी बच्ची को। ये दवा जो बन रही है ये जोड़ों के दर्द की है, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम लेनी है। इसकी रेसिपी जो है वो खुद चल रही है और अच्छा, लेकिन इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? इन चीजों का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और ये भैया इधर चीते खोलना पड़ेगा तुमको, आ जाओ। नहीं नहीं, सीरियसली वो वाकई अच्छा शायद हो सकता मैं भी खोल लूं। ओ, खुल गया। जबरदस्त। ऑलराइट जी, ये खुल गया है और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये इस तरह से एक पाउडर की सूरत में, और ये मजे का भी बहुत होगा, आ जाएगा पाउडर की सूरत के अंदर बन जाएगा। जरा इसको देख लीजिएगा, ये पाउडर की सूरत में होगा। 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम आपने लेना है, या पानी के साथ ले सकते हैं या दूध के साथ ले सकते हैं, इवन ऑरेंज जूस में मिला के पी सकते हैं। आप पी सकते हैं बिल्कुल, अगर आप सादा ना लेना चाहें, अदरवाइज इसको सादा ही लें तो बहुत आपको फायदा देगा, क्योंकि ये एक दवा है। अच्छा, सबसे फायदेमंद ये उस सूरत में होगा जब आप इसको 1 चम्मच पानी, 1 चम्मच पानी के साथ मुँह में रखें और ऊपर से पानी पी लें। ये एक दर्द के लिए फक्की है
और इसके साथ ही अगर हमारे पास से कोई ऐसी खातून है जिनको जोड़ों का दर्द है या अब उनके जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन है तो हमारे पास आ सकती हैं। हम इसको जो हम इस वक्त लेप बनाने जा रहे हैं उसका तरीका और अभी फायदा होगा बिल्कुल अभी अच्छा, अभी अभी एक काम करते हैं, अगर आपके पास कोई हमारे पास कोई ऐसी खातून है जिनका जोड़ों का दर्द है तो अभी हम यहाँ पर डेमो भी करवाएंगे। छोटे से ब्रेक के आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद वो डेमो है जो जोड़ों के दर्द की होगी और उसके बाद डॉक्टर ईसा बताएंगे कि आपके चेहरे की रंगत गोरी कैसे हो सकती है। छोटा सा ब्रेक आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं आजकल बिजी हूँ। बिजी हैं क्या कर रही हैं? प्लीज कैसा लग रहा है? कभी टाइम मिल जाता है घर वर को तवज्जा देने का? बिल्कुल वो टाइम निकालना पड़ता है या? के लिए फिक्स टाइमिंग है। फिक्स टाइमिंग की मतलब क्या? कब तक? हाउ लेट डू यू शूट? मॉर्निंग 10 o'clock जाती हूँ शूट पर और उससे पहले घर की, अब चूंकि शादी रिसेंटली हुई है 5 months पहले, तो वो घर की थोड़ी जिम्मेदारियां। शादी का एक्सपीरियंस कैसा है? बहुत अच्छा, जैसा होता है शादी का एक्सपीरियंस। कैसा होता? अच्छा, फिर मैं आपके हस्बैंड से पूछता हूँ कि कैसा है। नहीं, साल डेढ़ साल के बाद आप अगर मुझसे पूछेंगे तो फिर मैं बताऊंगी कि हाँ कैसा है। अभी तो सब बहुत अच्छा है। अभी सब नहीं अल्लाह करे बाकी भी बहुत अच्छा रहे और हमेशा बहुत अच्छा रहे। ये तो हस्बैंड्स के प्रॉब्लम होते हैं, वो बेचारे 5 महीने के बाद बोलते हैं यार क्या, चलो जाना तो है घर और अपने घर जाना है। बट यू नो ऑनेस्टली टाइम मैनेजमेंट थोड़ा मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा हो जाता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल नहीं रखती मैं। जब मेरी शूट्स नहीं होती तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम फैमिली को देते हैं। ऐसा नहीं है कि शॉपिंग पे निकल गई या कहीं भी निकल गई, जब शूट्स है तो ठीक है, अदरवाइज फैमिली टाइम। योर होम मोस्टली। आपका क्या इन दिनों क्या चल रहा है? मेरे दो सोप्स चल रहे हैं और एक मेरा अपना शो है, लाइव शो। वेरी नाइस, वी लव यू एंड वी रियली लव यू ऑनेस्टली प्रोफेसर। वी आई एम ऑलवेज ग्लैड व्हेनेवर यू आर ऑन द शो। आई एम रियली ग्लैड दैट यू जस्ट कम ऑन आवर शो और एकदम हम लोग लिट अप हो जाते हैं। तो तुम्हारा जो सोप्स चल रहे हैं उसमें तुम्हारा कैरेक्टर क्या है? इट्स अ वेरी गुड कैरेक्टर। अभी जो एक ऑनियर भी है मेरा यहाँ पर, दैट इज मोहे पिया रंग लागा। और उसमें एक लड़की, सब शादी से पहले के नाम होते हैं, मोहे पिया रंग लागा उसके बाद पिया को जो रंग लगता ना, जो मेरा भी ऑनियर होगा वो है बंधन। ओके, यस। हां, तो उसमें जो एक जो मोहे पिया रंग लगा, मैं बड़ा नेगेटिव सा कैरेक्टर है कि मैं जो हूँ मेरी शादी नहीं हो पाती जिसमें प्यार करती हूँ, तो मैं उसको छीनती हूँ ना कि यार मेरी से शादी क्यों नहीं हुई है। इन सेकंड बंधन उसमें बड़ा अच्छा कैरेक्टर है, वेरी शरीफ सी लड़की एंड ऑल दैट बंधन में। तो मतलब दोनों कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं। We really wish the very best for you. Thank you. और इंशाल्लाह ताला very very soon आपका शो जो है वो भी बहुत बड़ा हो जाएगा। We love you that you come on our show. हाँ जी, अब रंगत गोरे करने की बात कर लें, आपको सुनना है रंगत गोरा करने का? आइए, जोड़ों का दर्द किसको है, किसको ट्राई करना है जोड़ों का दर्द? आपको ट्राई करना है जी? आप जरा आ जाइए, आप जरा नीचे आ जाइए, प्लीज आ जाइए। आपका नाम क्या है? नाम क्या इनका? रिहाना, रिहाना जी आ जाइए। कौन सा गर्म? तुम भी चलो, बल्कि मेरी मदद करो ना, इधर आओ, रिहाना जी को लेके आओ। गर्म नहीं, रिहाना जी को लेके आओ, रिहाना जी को इधर लेके आए और आप बिठा दीजिए यहाँ पे। आपका रंग काला है? रिहाना नाम है। हम वो लेप बना रहे हैं फौरन, टाइम नहीं होगा, सॉरी। अच्छा, ये जोड़ों के दर्द की दवा है? ये जोड़ों के दर्द की दवा है। इसमें हमने ये ऑलिव ऑयल डाल लिया, आधा कप हमने ऑलिव ऑयल डाला, ठीक है। और इसके अंदर हमने ये है चोट सज्जी, आंबा हल्दी और अजवाइन, ये तीन चीज़ें हमने पहले से पीस कर रखी हुई हैं, ये रही। और इसको हम मिलाकर और ये दवा बनाएंगे और इसकी एप्लीकेशन दिखाएंगे। इसको सिर्फ हमें पकाना नहीं है, जस्ट गर्म करना है, लूक वार्म करना बस जी, ठीक है जी। कि वो आपकी जो स्किन है उसको बर्दाश्त कर सके, ठीक है। इसमें आंबा हल्दी डाल दा और चोट सज्जी, आंबा हल्दी, चोट सज्जी और अजवाइन। ओके, अजवाइन इसको भी हमने इसमें पीस लिया। ये तीन चीजें हैं और ये ऑलिव ऑयल है और इसको हम बिल्कुल सिर्फ गरम करना है हमें और कुछ नहीं करना। और फिर हम दिखाएंगे कि किस तरह इसको हम। अच्छा, इस तरह कैमरा क्लोज कर लीजिएगा, एक मिनट मुझे दिखाएं, कैमरा थोड़ा सा क्लोज कर लीजिए ताकि आपको पता चल सके। इसको आपने बिल्कुल बहुत ज्यादा हीट नहीं देनी है, इतना कर लीजिए कि ये एक यकजान हो जाए और थोड़ा सा नीम गरम ये जो है वो बन जाए। हाँ, नजर आ रहा जी, तो नीम गरम थोड़ा सा हो जाए। और इसके लिए
कोई आपका दुपट्टा हो, कोई आपके घर सफेद कोई कपड़ा हो पतला मलमल का, उसको हल्का सा इससे हम रैप कर देंगे ताकि ये जगह और ये जो दवा है ये गर्म रहे। अच्छा रेहाना जी माइक में बोलिएगा आपके दर्द कहाँ है? घुटनों के अंदर है, घुटनों के अंदर। ठीक है, अरे जी बिल्कुल ही हल्का सा इसको हमें गर्म करना है, थोड़ा सा और हो जाए okay. तो हम इसको उतार लेंगे। अच्छा और ये कितनी देर लगाना है? इसको अगर आप रात को लगाएं तो ये कपड़ा लपेट के रात भर रखें, जब सुबह आप उठेंगी अल्लाह के फजल से कि पट्टी खोलेंगी या पट्टी खोलना आपको याद ही नहीं रहेगा, जब आप उठेंगी दर्द ही नहीं होगा अल्लाह के। ऐसा ना हो पट्टी खोलना तो मतलब याद रहे, आप ऐसे चले गए पट्टी लगाए लगाए फिर आप कहेंगे जब वो पट्टी नीचे गिरी ओ रात को मेरे दर्द था तो मैंने ये बांधी थी। और अगर आपके कोहनी पर है, आपके जोड़ों पर है, और ये अगर उंगलियों में है कहीं है तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी अच्छी तरीके से जो ज्वाइंट लोग कह रहे हैं बहन पट्टी बांधे आ गई, इस तरह आप ऐसे करके इसका मसाज करेंगी और मसाज करने के बाद इसको भी इसी तरीके से आप लगा दें वरना ये जल जाएंगी। और कोई बात नहीं, बिल्कुल हम ये ले लेते हैं इसमें और अब हम इनको लगाने का तरीका बताएंगे। अच्छा जब तक मैं चोट सर्जी की एक बात बता दूं, जी जी। मोल्स जो निकल आते हैं तो आप चोट सर्जी को थोड़ा सा पीस के आप मोल्स जो होते हैं जो नहीं जड़ते तो आप वो लगाया करें, इंशाल्लाह उससे बहुत फर्क पड़ता है। जो मोल्स आ जाते हैं ना उसके लिए बहुत अच्छा। ओके ओके आइए जी। सर्जी एक दर्द थोड़ा सा खींचने की बड़ी बेनजीर दवा है। और कोहोस्ट प्लीज कम यू नीड टू दिखाइए जी कहां पे है आपको दर्द, कहां है आपको ये बताइए जी, घुटने में दिखाइए दिखाइए बिल्कुल कवर कर लीजिएगा भाई, बिल्कुल कवर कर लीजिए, मैं आपको इसी कपड़े से कवर करती हूँ। ये बेटा आप पकड़े रिमशा, आप इधर अपना वो खोलें घुटना, बिल्कुल मैं इसको कवर कर दूंगी, आप बेफिक्र रहिए कोई मसला नहीं। ये घुटने पे एप्लीकेशन है वो अप्लाई हो रही है। अच्छा ऑन अ वेरी सीरियस नोट, ये जोड़ों का दर्द जो है वो पाकिस्तान में बड़ा आम है, खासकर जब आपकी उम्र 35 साल से तजावुज कर जाती है तो फिर ये घुटनों का दर्द जो है जोड़ों का दर्द जो है वो आम होता है। और ये ओके ठीक है, इसको आप पकड़ लीजिए, ऐसे पकड़े थोड़े आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, ये हमने किया। और खास तौर से ये एक लेप लगा रहे हैं आंबा हल्दी का और चोट सज्जी का और साथ में इसमें अजवाइन भी शामिल है। ये देखिए इसको हमने तेल के साथ इसका एक लेप बनाया है। इसी शर्ट हटाइए, क्या हुआ? अपनी शर्ट हटाइए, आपको महसूस हो रहा है गर्म गर्म महसूस हो रहा है? आप वो छोड़िए वो भी। अच्छा देखिए ये तो वो बातें होती हैं जो नॉर्मली आपको लोग नहीं बताते, शेयर नहीं करते। अभी मैं पलवर्षा से बात कर रहा था, उन्होंने कहा इनकी मदर को भी जोड़ों का दर्द है, मेरी मदर को भी जोड़ों का दर्द है। आई थिंक बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, आई एम श्योर योर मदर ऑल्सो। तो बहुत बेतहाशा ख़वातीन को ये प्रॉब्लम होते हैं, मर्दों को प्रॉब्लम्स होते हैं। और आपको पता ही है कि हमारे यहाँ न्यूट्रिशन तो इतना अच्छा है नहीं, जैसे तैसे करके जितना भी मिलता है हम खा लेते हैं, लेकिन न्यूट्रिशन का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। फिर एक्सरसाइज का हमारे पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जोड़ों के दर्द का बराह रास्त आलोक एक्सरसाइज से होता है। ये लेप जो है वो तकरीबन बन गया है और लग चुका है। ओके जी, ये इतना इनको लगाते हुए ही इतना सुकून मिल रहा होगा, आपको कैसा फील हो रहा है बहन? अच्छा लग रहा है। अच्छा अब एक काम करते हैं, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, इतनी देर में लेप भी कम्प्लीट हो जाएगा, जब ब्रेक से वापस आएंगे। अच्छा ओके 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 कोशिश करेंगे तीन चीजें आज लोगों को बना के दें, ठीक है? एक गोरा करने के लिए, ठीक है, एक एक्नी के लिए और एक हम बनाएंगे डार्क सर्कल के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब आप समझ आने वाली हैं, अब खवातीन को प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा एक्नी का भी क्योंकि पसीना बहुत आएगा और साथ साथ प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा कि रंगत काली हो जाएगी। तो आज इन दो चीजों को काउंटर करना ही करना है। छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि एक्नी के प्रॉब्लम को दूर कैसे किया जा सकता है और आपकी रंगत को गोरा कैसे बनाया जा सकता है। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। रेसिपी पे हम जाएंगे लेकिन उससे पहले मैं फरा को हेलो कहना चाहता हूँ। फरा तुम मुझे देख रही हो और यहाँ पर एक आपकी देवरानी है वो, और वो मेरे ऑडियंस के अंदर बैठ के देख रही हैं। फरा मैं एक और चीज़ करने जा रहा हूँ जो मैंने आज तक अब तक नहीं की है, शो के अंदर नहीं की है, और मैं ये करने जा रहा हूँ कि मैं आपको रास्ता का प्रीमियर का जो प्रीमियर शो है रास्ता का, मेरी फिल्म रास्ता का जो प्रीमियर शो है उसका मैं आपको एक पास देने जा रहा हूँ। आप मेरे साथ बैठ के फिल्म देखेंगे। आइए जी आइए जी, आ जाएं सब, आ जाएं प्लीज, खुदा का वास्ता सब आ जाएं। हाँ जी। अच्छा जी अब हम एक्नी के बारे में बात करने जा रहे हैं, गोरा रंगत के लिए।
सबसे पहले देखें बहुत सारी चीजें होती हैं। अच्छा ये बहुत बहुत सुनने वाली रेसिपी है और बहुत जल्दी जल्दी है डॉक्टर साहब बताएंगे और बहुत आसान रेसिपीज होती हैं तो सुन लीजिएगा। बहुत सारी चीजें होती हैं गोरा करने के लिए लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आप घर में बैठकर बना लें। आप ग्रेपफ्रूट लें, ग्रेपफ्रूट में से इतना स्लाइस निकाल कर उसके 2 टेबल स्पून जूस निकालना है आपने। ओके 1 एंड सिंपल ग्रेपफ्रूट 2 बिल्कुल सिंपल ग्रेपफ्रूट। हमने 2 टेबल स्पून ग्रेपफ्रूट के लिए और हमने ऑलिव ऑयल लेना है, जैतून का तेल इसका हमने 1 टीस्पून इसमें ऐड करना है। ठीक है जी। ओके और तीसरी चीज आपके किचन में मौजूद है दालचीनी का पाउडर, वो आपने चुटकी इसमें डालनी है। इसको मिक्स करके आपने लोशन बनाना है और रात में अगर चाहें सोते वक्त पूरी बॉडी पे लगाया जा सकता है, फेस पे लगाया जा सकता है, आर्म्स पे लगाया जा सकता है, फीट पे लगाया जा सकता है और चाहें तो 2 घंटे इसको रखकर आप वॉश भी कर सकते हैं। 30 डेज के बाद ये बहुत बड़ा मिरेकल करता है, आपके कलर को फेयर कर देता है। वाव जी, तालियां तालियां तालियां, बहुत तालियां। लेकिन 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 जो की पॉइंट है वो ये कि 30 डेज तक लगाना है। 30 डेज 30 दिन के अंदर आपकी रंगत जो है वो गोरी हो जाएगी। बहुत आसान सी बात है, आपने 2 टेबल स्पून या 2 टीस्पून जो है टेबलस्पून वो आपने ग्रेपफ्रूट जूस के लेने हैं और रेसिपी इस पर चल भी रही है। और इसके बाद आपने उसके अंदर दालचीनी का पाउडर मिलाना है और साथ साथ ऑलिव ऑयल डालना है 1 टेबल स्पून और इन तीनों को मिला लेना और ये आपके चेहरे और गर्दन पे लगा लेना है। पूरी बॉडी पे भी लगाया जा सकता है, 2 घंटे रख लें या पूरी रात लगा के सो जाएं। 30 डेज के अंदर अंदर आपकी जिल्द जो है वो गोरी हो जाएगी। एक्नी के लिए बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, आसान चीज़ें बता रहा हूँ। बेकिंग सोडा आपके घर में होता है, 2 टेबल स्पून आप बेकिंग सोडा के ले लें। ठीक है, ठीक है जी। और आपके घर में हनी होता है, आप 1 टीस्पून हनी का ले लें। हनी प्योर होना चाहिए, जहन में रखिएगा। और उसके बाद आपके घर में लेमन होता है, लेमन फ्रेश हमने उसका जूस निकाल के रखा है, 1 इसका टीस्पून लेमन का जाएगा। ओके इसको मिक्स करके आप पेस्ट बना लीजिए और ये 30 मिनट्स तक, अगर आप समझते हैं कि मज़ीद इसमें ज़रूरत है कुछ मिलाने की तो और कुछ नहीं मिलाइएगा, लेमन का मज़ीद थोड़ा सा जूस ले लीजिएगा एडिशन कर लें, एडिशन करने के लिए ताकि पेस्ट बन जाए। ठीक है, अब ये पेस्ट आप पूरे फेस पर जहाँ जहाँ एक्नी है अप्लाई करें और 25-20 मिनट्स तक इसको छोड़ दीजिए और वॉश कर लीजिए। हफ्ते में 3 एप्लीकेशन करें, एक्नी और उसके निशानात खत्म हो जाएंगे। निशानात भी खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल। थर्ड, अच्छा एक सेकंड, ये रेसिपी जो है चल रही है बहुत आसान सी रेसिपी है। बेकिंग सोडा आपने लिया है 2 टेबलस्पून, उस बेकिंग सोडा के अंदर आपने डाला है शहद 1 टेबलस्पून 1 टीस्पून और इसके साथ साथ आपने मिला लिया है लेमन। और इसके बाद ये पेस्ट जो है ये शक्ल इख्तियार कर गया है। हफ्ते में 3 मरतबा ये एप्लीकेशन करनी है आपने आधे आधे घंटे के लिए। जब आप 3 मरतबा ये एप्लीकेशन कर लेंगे तो 1 हफ्ते के बाद आपके चेहरे की रंगत उसमें आपके चेहरे की जो एक्नी है वो ख़त्म हो जाएगी और जो निशानात एक्नी की वजह से आ गए हैं वो भी चले जाएंगे। अच्छा जी, डार्क सर्कल के लिए ये अमूमन ये शिकायत होती है, 2 चीज़ें हमेशा याद रखें, नींद का कम होना एक निशानी है, दूसरा विटामिन बी कम होना ये दूसरी निशानी है। विटामिन बी कम हो तो अल्लाह ताला की बहुत सारी नेचुरल चीज़ें हैं, आजकल अमरूद आया हुआ है विटामिन बी से भरा हुआ है, कैबेज विटामिन बी से भरा हुआ है, पालक आयरन विटामिन बी से भरा हुआ है, खाने में इसका इंटेक करें, नींद अच्छी कर लें। आप इतना खीरा ले लीजिए, काफ़ी है आपके लिए। इसका हमने जूस निकाल लिया, सिर्फ खीरा है और कोई चीज़ नहीं है इसके अंदर। अगर आपके घर में कॉटन के ये मिलते हैं मार्केट में से, अदरवाइज कॉटन बॉल आपके घर में होते हैं, उसको डिप कर लीजिए। आपने इनको इसमें डिप करना है, थोड़ी देर छोड़ देना है खीरे के जूस में। ठीक है, कोई चीज़ नहीं है इसमें दूसरी, खीरे के जूस में आप इसको डिप करके जब ये अच्छा पानी अपने अंदर पी लेते हैं तो आप इसको निकाल कर वापस एक प्याली में डाल दीजिए और इसको फ्रिज में रख दीजिए। जब ये ठंडे हो जाएँ तो दोनों को आइस पे रख लीजिएगा, इतनी देर रखें कि उसकी ठंडक ख़त्म हो जाए, उतार कर डस्टबिन में फेंक दीजिएगा, डेली करें और 30 डेज के बाद अपनी आइस के डाल। अच्छा मुझे एक बात बताइए, लोग कहते हैं कि खीरा भी रखा जा सकता है, इज इट ट्रू? बेसिकली रखा जा सकता है लेकिन जो स्किन पानी को इनटेक करती है उसके रिजल्ट बेस्ट होते हैं। ऑलराइट जी, आई वांट टू थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया पलोशा, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, बहुत शुक्रिया विक्की साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू सारा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया रानियापा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग शो देखते हैं। 2-4 चीज़ें हैं जो बड़ी संजीदगी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अपने ऑडियंस से, आप ज़रूर हमारा शो देखें, ज़रूर इसको फॉलो करें, लेकिन मेक श्योर कि जब भी हम कोई ऐसी रेसिपी आपको बताते हैं आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए, इन पर रिलाई ज़रूर कर सकते हैं आप, बट एट द सेम टाइम
आपको हर सूरत में अपने डॉक्टर से मशवरा करना है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाइए और डॉक्टर नहीं मिलते हैं तो प्लीज़ खुदा का वास्ता शोर मचाइए ताकि हुकूमत को एहसास हो सके कि आपको मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत है। अगर हम नहीं बात करेंगे तो फिर कोई बात नहीं करेगा। अगले वीक तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मुस्कुराते रहिएगा। मंडे को मिलते हैं नए शो के साथ। बहुत शुक्रिया एंड ऑनेस्टली वी लव यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग समा। खुदा हाफिज़।